मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार द्वारा डीजल एवं पेट्रोल पर 5% वैट बढ़ाए जाने को लेकर भिंड जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कमलनाथ का पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रैली में मेहगांव से पूर्व विधायक मुकेश चौधरी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर भी मौजूद रहे। दरअसल हाल ही में कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर डीजल एवं पेट्रोल पर 5% वैट बढ़ा दिया है, जिससे डीजल एवं पेट्रोल के दाम पूरे देश में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हो गए हैं। ऐसे में अब भाजपा इसको मुद्दा बनाते हुए कमलनाथ सरकार को घेर रही है और जगह जगह प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया जा रहा है। उसी के चलते आज भिंड में भाजपा जिलाध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर एवं मेहगांव से पूर्व विधायक मुकेश चौधरी की अगुवाई में आधा सैकड़ा से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। उन्होंने इस दौरान कमलनाथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जो जनता के ऊपर इन्होंने जो डीजल और पेट्रोल का जो वैट बढ़ाया है, मध्य प्रदेश और भारतवर्ष में डीजल और पेट्रोल के दाम पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश के सबसे अव्वल हो गए हैं, सबसे ज्यादा हो गए हैं। तो इसके विरोध में किसानों को जो कर्ज माफ नहीं किया उसके विरोध में कि जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे करें। हमारे यहाँ चंबल से लगे हुए और सिंध से लगे हुए जो गाँव जिनमें बाढ़ आई उनमें राहत तत्काल प्रदान करें। सूखे के जो कुछ हमारे जिले और आसपास के जिले में जो क्षेत्र सूखे से ग्रसित हैं उनमें सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और उनको तत्काल राहत दी जाए। दूसरा, इन्होंने बेरोजगार युवकों को, युवाओं को भत्ते की बात कही थी, वो भी पूरी नहीं। अभी पूरे 5 वर्ष में जो केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम स्थिर किए हुए थे, जो मनमोहन सिंह की सरकार में 2014 में 68 और 70 रुपए थे, उनको 5 वर्ष लगातार स्थिर किए हुए थे। उनमें हमारी जनता के ऊपर इस मध्य प्रदेश सरकार की, जो कमलनाथ की लंगड़ी लूली सरकार है, जनता विरोधी सरकार है, उसने एकदम 5% रुपए बढ़ा करके जनता पर जो बोझ डाला है, व्यवसायियों पर जो बोझ डाला है, गरीबों पर जो बोझ डाला है, छात्रों पर जो बोझ डाला है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता विरोध कर रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी उस बढ़े हुए दामों का विरोध करती है और कांग्रेस की इस सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि इन दामों को वापस करें, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।